तो दोस्तों आज मैं बेड पे खड़ा हुआ था, लोगों के स्टेटस देख रहा था, तो मैंने देखा कि आज मेरे टीचर का बर्थडे है। उनका नाम है अभिषेक सर, और मतलब काफी अच्छे टीचर हैं। मतलब उन्होंने हमेशा मुझे बचपन से ऐसे ट्रीट करा है कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। अच्छा, बहुत चीजें सिखाई हैं और मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं। तो दोस्तों मेरा कोई दोस्त तो है नहीं जिनके साथ मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूँ। एक दोस्त है और वो बर्थडे के नाम पे चाय पिला देता है, वो छोटू की दुकान पे जाके, तो बहुत बहुत बुरा लगता है। वो भी चाय भी 8 रुपए की आती है, और जब मैं उसे बोलता हूँ कि भाई मेरे को पिक कर ले घर से, तो वो कहते हैं कि पैदल आ जाओ, तो किराया भी लग जाता है मेरा 15 रुपए, क्योंकि छोटू की दुकान थोड़ी दूर है ना, इसलिए तो वहीं पे चाय मिलती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास एक सर है जिनको मैंने अभी बताया, अभिषेक सर, वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं। और मतलब आज उनका बर्थडे है, दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास एक टीचर तो है। अच्छा, तो मैं नहा के तैयार हो चुका हूँ, ठीक है। देखो मेरे बाल सूख ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं मॉल गया था, मैंने सोचा सर के लिए कुछ खरीद लूँ, और टी शर्ट हमें काफ़ी सस्ती मिल गई। बेसिकली क्या था कि मैं वहाँ से ज़्यादातर शॉपिंग करता हूँ ना, तो वो जो पॉइंट्स हैं शॉपिंग, हर शॉपिंग पे पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसको रिडीम करने का ऑप्शन आया, तो वो मैंने सारे पॉइंट रिडीम कर दिए। मम्मा को बोल दिया 80 रुपये में मिल लिया, और मम्मा ने बोला जा खरीद ले। और एक सर के लिए, क्योंकि मुझे तो सच में तो दोस्तों ये हमारी बुलेट है और इसके पीछे ये हमारी स्कूटी है, बट मैं दोनों से ही नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है, और अगर लाइसेंस नहीं है तो चालान कटेगा, और चालान कटा तो मैं भी कट जाऊंगा। इसलिए अब हम अपनी फ्रेंड की बाइक का यूज़ करेंगे। तो गाइस अब हम 24/7 आ चुके हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि कुरकुरे का पैकेट ले लेते हैं और डोरिटोस। आकाश भाई भी आ गया भाई, चाय पत्ती लेते हैं, सबसे बढ़िया रीज़न है, और सबसे बढ़िया सामान है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाय पत्ती ज़्यादा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हमने फाइनली डिसाइड करा, एक चाय पत्ती, एक गरम मसाला। बे साले भाई, अब हमने सारा सामान ले लिया, केक भी ले लिया, आगे विशाल भाई और तन्नू दीदी जा रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं जॉब अकेडमी जहाँ पे हमारे सर ने हमें पढ़ाया था 2 साल पहले। हाँ, ये बाहर खड़े हैं, काफी हम देख सकते हैं काफी नए बच्चे आ चुके हैं। अंदर बच्चे सर का वेट कर रहे हैं, चल के देखते हैं। तो अंदर बच्चे टाइम पास करने के लिए कोई गेम खेल रहे, क्योंकि सर अभी तक आए नहीं। अरे भाई क्या हो गया, मरना तेरे को डर नहीं लगता? अभी हमारी क्लास में बच्चे सारे वेट कर रहे हैं जहाँ पे सर पढ़ाते हैं, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ बाहर। अरे ब्लॉगिंग सर को तो आना था यार, ये सर के बड़े भाई हैं। सर इधर इधर ब्लॉग बन रहे। So hi everybody, I am back. एक मिनट रुकिए, मेरे बाल दिखा है। I am back. So finally, अब सर आ चुके हैं भाई। तरीका है भीख मांगने का। तो दोस्तों इन लोगों ने आपस में कुछ प्लानिंग कर रखी है कि हम लोग लाइट्स ऑफ करके रखेंगे और सर को कुछ पता नहीं चलने देंगे, जब सर आएंगे तभी लाइट्स ऑन करेंगे और फूलों से उनका वेलकम करेंगे, उन्हें सरप्राइज देंगे। बट इन लोगों को ये नहीं पता अब ये सरप्राइज नहीं है, क्योंकि मैं सर को ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। शाबाश बेटा। तो दोस्तों फ्रंट पे इन्होंने केक्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये है हमारे अभिषेक सर का केक, दूसरा केक है हर्षा हमारी एक फ्रेंड है। तो सर का और उसका बर्थडे दोनों का एक ही दिन आता है, तो ये दोनों आज साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो पता नहीं बहुत देर से, मैं 2 घंटे हो गए मेरे को यहाँ पे बैठे हुए, और सर अभी तक आए नहीं। ये लोग पता नहीं क्या प्लान कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट अभी बच्चों ने बोला है कि मतलब अभी 5 मिनट के अंदर सर को बुलाएंगे और फिर हम उनका वेलकम करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो चलो इतना वेट करने के बाद फाइनली सर अब अंदर आ चुके हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो गाइस फिर सर के बाद हमने हर्षा की केक कटिंग करवाई। हैप्पी बर्थडे
गाइस सो आपको पता ही है मैं वैसे ही बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, बट हर्षा हाथ जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ वासु मुझे केक खिला दो, मेरा दिन बन जाएगा, तो फिर मैंने उसको केक खिला ही दिया। सो गाइस आज हमारे अभिषेक और हर्षा का बर्थडे था, हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा, बहुत सेलिब्रेट करा, बहुत मज़ा आया। हर्षा इधर देखो, गाइस को हेलो बोल दो। बट एक गलत सीन हो गया, बर्थडे इन दोनों का था, बट ऐसा लग रहा है कि बर्थडे मेरा था, इन लोगों ने मेरे मुंह का फेशियल कर दिया, और ये देखिए। सो फाइनली वी ऑल आर डन विद दिस, और केक काफ़ी ज़्यादा बच चुका था बिकॉज पहले से किसी ने प्लान नहीं कर रखा था कि किसको कितना केक लेके आना, सब अपने हिसाब से लिया है। सो एट द एंड वी डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट दीज केक्स अमंग द नीडी पीपल। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। सो फाइनली अब मैं घर आ चुका हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी हो चाहे ना लगी हो ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।